डेटा एक बहुत बड़ा फ्यूल है, अब डेटा ही फ्यूचर भी है। गूगल न्यूज इनिशिएटिव ने जयपुर में डेटा लीड्स के साथ पार्टनरशिप में डेटा डायलॉग वर्कशॉप का आयोजन किया। एक दिवसीय कार्यशाला में बड़ी संख्या में पत्रकारों, छात्रों और जयपुर के मीडिया शिक्षकों ने भाग लिया। ये कार्यशाला पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में आयोजित हुई। आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ, प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा, महासचिव रघुवीर जांगिड़, पंजाब केसरी राजस्थान डिजिटल संपादक विशाल शर्मा और गूगल न्यूज इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क के प्रमुख ट्रेनर प्रोफेसर उमेश आर्य, डेटा एक्सपर्ट पीयूष अग्रवाल और कार्यक्रम प्रबंधक ज्योति सिंह राठौर भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ ने कहा कि आजकल डेटा लोकप्रिय वस्तु हो गई है। तुम मुझे डेटा दो, मैं तुम्हें आटा दूंगा, क्योंकि डेटा में सब समाहित है। ये डेटा का मूल्य, उपयोगिता और महत्ता साबित करता है। डेटा संवाद एक अखिल भारतीय डेटा पत्रकारिता प्रशिक्षण श्रृंखला है जो पूरे भारत के 20 शहरों में अंग्रेजी और 10 भारतीय भाषाओं में दिसंबर 2022 से जारी है। यहाँ पर हम एक वर्कशॉप करा रहे हैं जो कि फुल डे का वर्कशॉप है ऑन डेटा जर्नलिज्म पे। हमने एक डेटा डायलॉग सीरीज शुरू की है 17 दिसंबर 2022 से, करीबन 90 दिन होने जा रहा है। हम ऑलरेडी 16 स्टेट्स में कवर कर चुके हैं। ये 20 अलग अलग राज्यों में होने वाला एक सीरीज़ है जो डेटा जर्नलिज्म को लेकर अवेयरनेस दी जा रही है। बेसिकली सभी लोग जानते हैं डेटा जर्नलिज्म क्या है, पर डेटा जर्नलिज्म को किस तरीके से हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि भाई कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, या इसकी लर्निंग को समझ सकते हैं। लोग मैनिपुलेट करते हैं, ग्राफिक्स लोग नहीं समझ पाते, तो इसी आधार पर हमारी कोशिश ये थी कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में हम अलग अलग भाषाओं में इसको समझाने का प्रयास करें, जिसके लिए हम लोगों ने एक टीम तैयार की और हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं या बात कर रहे हैं। डेटा सोर्सिंग, क्लीनिंग, वेरिफिकेशन, विजुअलाइजेशन जैसे टॉपिक्स को हम कवर करने का पूरा प्रयास है। इसमें हाईली एजुकेटेड और वेरीफाइड और सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी हैं, यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं जो अलग अलग शहरों में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य न्यूज रूम में डेटा साक्षरता बढ़ाना और पत्रकारों को टूल सीखने में मदद करना है। इसके साथ ही डेटा सोर्सिंग, संग्रह, सत्यापन और विजुअलाइजेशन की तकनीकों की जानकारी हासिल करना है। देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित श्रृंखला संपादकों, पत्रकारों और पत्रकारिता के छात्रों के लिए खुली है और प्रतिभागियों को गूगल और उसके आगे के सर्वोत्तम टूल का उपयोग करके डेटा पत्रकारिता की शक्तिशाली दुनिया को अनलॉक करने के लिए सशक्त बनाने में मददगार साबित हो रही है। इसके जरिए वे आकर्षक खबरें खोजने, सत्यापित करने और बताने में सक्षम हो और अपने दर्शकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सके। सत्र का नेतृत्व GNI इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क के डेटा पत्रकारिता विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों ने किया और 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें डेटा सोर्सिंग, क्लीनिंग, विजुअलाइजेशन और सत्यापन पर कार्यशाला हुई। कवर किए गए टूल में गूगल ट्रेंड्स, शीट, फ्लॉरिश और पिनपॉइंट सहित कई अन्य चीजें शामिल है जो गूगल जर्नलिस्ट स्टूडियो का एक शोध टूल हिस्सा है, जो पत्रकारों को कई प्रारूपों में हजारों दस्तावेजों और फाइलों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए सशक्त बनाता है। राजस्थान जयपुर में, ये 17वां स्टेट है, काफ़ी अच्छी मात्रा में यूथ और जर्नलिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस पूरे होल सीरीज़ की ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको जर्नलिस्ट भी दिखेंगे जो कि मंझे हुए जर्नलिस्ट हैं, आपको मीडिया एडुकेटर्स भी देखेंगे और जर्नलिज्म स्टूडेंट्स भी देखेंगे। जो जर्नलिस्ट हैं उनको सीधा इसलिए फ़ायदा होने वाला है क्योंकि जो डेटा से रिलेटेड वो स्टोरीज़ कवर करते थे उसमें वो कुछ टूल्स के सहायता से, जैसे पिन पॉइंट हैं क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए, तो पिन पॉइंट जैसे टूल्स हैं, वे बैक मशीन है, गूगल ट्रेंड्स हैं, डेटा सेट सर्च है, ये सब की लर्निंग के थ्रू उनको
एक डेटा से रिलेटेड स्टोरी करने में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और काफ़ी अच्छी निकल कर आएगी स्टोरी अगर वो इस चीज़ को समझना अच्छे से समझते हैं तो। रही बात बड़ी जर्नलिस्ट की, जो जो बड़ी जर्नलिस्ट हैं उनकी एक अच्छी लर्निंग होगी, फ्यूचर में वो अपना यू नो एम्प्लॉयमेंट के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि डेटा एक बहुत बड़ा फ्यूल है। अब डेटा ही फ्यूचर भी है, तो अगर आप डेटा समझेंगे उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स करेंगे इस तरीके से, और ये ट्रेनिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे रखरखाव में पूरे अच्छे ट्रेनर्स के साथ इसको मिलकर बनाई गई है। पूरे दिन का सत्र एक स्थानीय शिक्षण समुदाय बनाने का भी एक प्रयास था, जहां डेटा पत्रकारिता व्यवसायी और उत्साही लोग नेटवर्क और बातचीत करने के लिए एक साथ आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।